आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि पुष्पा मूवी की शूटिंग कैसे हुई और उसके कुछ बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगा और साथ में उसके कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अगर आप भी मेरी तरह पुष्पा मूवी को देखने के बाद उसके फैन हो गए हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें कि पुष्पा मूवी की चर्चा जितनी हुई है उतना शायद इससे पहले किसी मूवी की हुई होगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसको बनाने में जितना मेहनत लगा है उतना मेहनत शायद ही किसी हिंदी फिल्म को बनाने में लगा होगा। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पुष्पा मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स और उसकी शूटिंग कैसे हुई है और कुछ उसके बारे में फैक्ट्स भी बताऊंगा। दोस्तों आपने देखा होगा पुष्पा मूवी में जो चंदन की लकड़ी दिखाई जाती है वो असली नहीं होती है, क्योंकि इतनी महंगी जो लकड़ी होती है और इतना सारा नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसको फॉर्म में बनाया जाता है और उसके बाद उसको उसके कलर कर दिया जाता है रेड कलर से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस सीन में किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है और इसको किस तरीके से इसको कलर कर दिया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में कम से कम वीएफएक्स का यूज किया गया है और यहाँ पर आपको जो भी दिखाया जा रहा है सब कुछ यहाँ पे रियल कर दिया गया है, जितने भी स्टंट इसमें दिखाए जाते हैं इस वाले मूवी में। दोस्तों इतना ही नहीं, चंदन के तस्करी के ट्रांसपोर्ट वाले सीन को शूट करने के लिए मेकर्स को काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जंगल का रास्ता काफी खराब था, इसी वजह से वहां पर जंगल में कच्ची सड़कें भी इन्हें बनानी पड़ी। दोस्तों इस सीन को देखिए, ये सीन आपको काफी पसंद आया होगा। इस सीन में अल्लू और जो चंदन की लकड़ियों को छुपाने जाते हैं पुलिस इनके पीछे पड़ी होती है, लेकिन इस सीन को जैसा दिख रहा है इसको बनाने में लेकिन बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस सीन को असली में शूट किया गया है, कोई वीएफएक्स का इसमें यूज नहीं किया गया था। यहाँ पर देखिए इस स्टंट को करने के लिए यहाँ पर अल्लू अर्जुन ने नहीं बल्कि एक स्टंट मैन ने इसको किया था, क्योंकि गाइस इसको करने के लिए स्टंट मैन जो प्रोफेशनल होते हैं उनका यूज किया जाता है इन सभी में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो स्टंट मैन है वो हेलमेट वगैरह पहनकर बाहर निकल रहा है, यानी कि फुल सेफ्टी के साथ इसको किया गया था और ये रियल में हुआ था। और दोस्तों पुष्पा मूवी को जब केरल के जंगलों में शूट किया जा रहा था और वहां से जब चंदन की जो बनाई गई आर्टिफिशियल लकड़ियां थी उसको जब लेकर आया जा रहा था तो वहां पर कुछ असली पुलिस वालों ने उनको रोक लिया था और उन्होंने कहा था कि ये चंदन की लकड़ियां कहाँ ले जा रहे हो, बट वहां पर सब कुछ उनको बताया गया कि ये सब शूटिंग के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहां पर समझाया गया उसके बाद उन्होंने छोड़ा। दोस्तों यहाँ पर इस सीन में देखिए किस तरीके से अल्लू अर्जुन को यहाँ पर मेकअप करके पुष्पा का जो रूप है को यहाँ पर देखिए इस तरीके से किया जा रहा है। इसको करने के लिए इन्हें हमेशा 2 घंटे लगते थे, मतलब अल्लू अर्जुन को पुष्पा को बनाने के लिए 2 घंटे लगते थे और इस मेकअप वगैरह को मिटाने के लिए भी आधे घंटे लगते थे, मतलब इसको बहुत समय लगता था और ऐसा रोज रोज होता। दोस्तों इस सीन को देखिए, जब अल्लू अर्जुन चंदन की लकड़ी को जो ट्रक में भरा हुआ था और वहां से पुलिस जो उनको पीछे पड़ी थी और जब यहाँ पर ट्रक जो पानी में छुपा देते हैं और वहां से कूद जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ वीएफएक्स का भी यूज किया गया था, क्योंकि सीधे ऐसे रियलिटी में नहीं। दोस्तों इस सीन में आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो पुष्पा मूवी का जो सॉन्ग था उसको यहाँ पर किस तरीके से शूट किया जा रहा है, और उस पुष्पा मूवी का जो ये जो सॉन्ग था ये बहुत ज्यादा जबरदस्त हिट हुआ था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर मेहनत बहुत ज्यादा किया गया था और मुझे काफी अच्छा लगा। और यहाँ पर देख सकते हो काफी कुछ यहाँ पर बिहाइंड द सीन में इसको देखने के बाद ये लगता है कि यहाँ पर काफी मेहनत किया गया इसको बनाने के लिए, तभी इतनी अच्छी मूवी बन पाई है। पुष्पा मूवी की नेक्स्ट फैक्ट की बात करूँ तो मैं आपको बता दूं कि जो पुष्पा द राइज पार्ट 2 है उसकी जो शूटिंग है वो अभी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द वो भी देखने को मिलेगी, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पुष्पा द राइज 2 होगी वो ब्लॉकबस्टर होगी पार्ट 1 से भी ज्यादा। तो देखते हैं कब आएगी, और मुझे तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। बाकी आप लोगों को क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से इसको शूट किया जा रहा है, काफी मेहनत लगा मुझे पता है सब। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको भी अपने फेवरेट मूवी के बिहाइंड द सीन्स देखने को अच्छा लगता है तो फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी लाइक तो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी न्यू बिहाइंड द सीन्स में, आपको दिखाऊंगा।